हेलो फ्रेंड, राम राम, नमस्कार, कैसे हैं? एकदम बढ़िया। देखिए, हम भी एकदम बढ़िया हैं। वैसे बताएं, आजकल ट्रेलर जो है ना मिशन रानीगंज का, बड़ा ही सुपर डुपर हिट हो रहा है। हमको भी देखना है कि भैया जो खदान है ना, उसके भीतर क्या क्या होता है। तो हम सोचे कि भाई हम अक्षय कुमार जी से कब मिल पाएंगे, कब बात कर पाएंगे, ना जाने। लेकिन हाँ, हमने पकड़ लिया है गौरव जी को, जो वही पिक्चर में काम मतलब नजर आने वाले और बढ़िया सा किरदार निभाने वाले हैं। तो सोचे कि इन्हीं के जरिए खदान में घुस जाए। तो स्वागत करेंगे गौरव आपका सास घर बेटिया में। धन्यवाद मीनू जी, मीनू मौसी जी। कैसे हैं आप? मीनू मौसी जी, मैं एकदम बढ़िया हूँ और मैं आपको लगातार आज तक देखता रहता हूँ। और आप इतने अच्छे से लोगों के साथ बातें करती हैं, इतने अच्छे से इंटरव्यू करती हैं, तो मजा आ जाता है आपको देख के। और आज मौका मिला आपके साथ रूबरू होने का, तो मैं मिशन रानीगंज से बाहर निकल के आज तक के सेट पे उनके साथ लाइव हुआ हूँ। मेरा सौभाग्य है कि आपके सामने आया आज। देखिए, हमारा सौभाग्य है कि हम आपके जरिए खदान के अंदर घुसेंगे। कैसे? देखिए, खदान क्या होती है, धरती के भीतर बहुत हलचल होती है। क्या होता है, कैसे काम होता है, सभी जितनी जनता है ना वो जानना चाहती है। तो चलिए, एक कलाकार के नाते ही सही, आपने मतलब एक फिल्म में काम किया और खदान क्या होती है वो भी देखी। तो चलिए, पहले तो ये बताइए गौरव जी, इस पिक्चर में आपका किरदार क्या है? मेरा किरदार है ये फिल्म, चूंकि मिशन रानीगंज माइंस के ऊपर कहानी है। 65 माइनर्स खदान के अंदर फंस गए थे, उसको कैसे रेस्क्यू करके बचाया गया। श्री जसवंत सिंह गिल जी ने किस तरह से रेस्क्यू किया सारे 65 माइनर्स को, तो हमने मतलब बहुत कहीं ना कहीं डीपली देखा है कि किस तरह से कैप्सूल नीचे जा रहा था, ऊपर आ रहा था, और किस तरह से एक एक आदमी को बचा के जसवंत सिंह गिल जी बाहर भेज रहे थे। तो अक्षय कुमार जी ने इसमें जसवंत सिंह का किरदार निभाया और मैंने उनके साई की तरह चलने वाले किरदार निभाया, जिसका नाम है दिबाकर, जो जसवंत सिंह गिल जी के साथ में रहता है। उनकी जो 90s की जो जीप होती थी भारत सरकार की, वो ड्राइव करता है, और हाँ, जहां रेस्क्यू के लिए जसवंत जी जाते हैं, मैं साथ में जाता हूं उनके साथ साया बन के। अरे वाह। अच्छा, दिवाकर ये किरदार, मतलब ये नाम, देखिए नाम में भी बड़ी बात है, हर नाम कुछ कहता है। और दिवाकर भी नाम अपने आप में बड़ा है, क्योंकि देखिए ये कहानी असली मतलब वाख्या के ऊपर है। तो सत्य आपसे घटना पर, जानना चाहेंगे, जब आपके पास दिवाकर का किरदार आया, और जाहिर सी बात है वहां पर भी वो थे ही, तो वो किरदार को अपने आप में वो किरदार ढालने के लिए आपको कितनी मेहनत करनी पड़ी? इसमें एक्चुअली चूंकि सब रियल बेस्ड स्टोरी है, रियल किरदार हैं, और मैंने इसमें दिवाकर का करेक्टर किया, दिवाकर कृष्ण से रिलेट करता है, तो मैंने इसमें एक लॉकेट भी पहना है जिसमें कृष्ण का लॉकेट है, तो वो कृष्ण को रिलेट करता है। और ये बहुत सीधा साधा सिंपल सा लड़का है जो सिर्फ अपने जो सर हैं बॉस है उनको साहब जी करके बुलाता है। उसको सिर्फ ये फोकस करना होता है कि वो साहब जी कहाँ जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, किस तरह से हैं, बस उसकी नजर साहब जी पे होती है। और ये किरदार बहुत अच्छा है, क्योंकि ये हर किरदार इसमें एक दायरे में बंधा हुआ है, क्योंकि आप क्योंकि एक होता है ना, आपको विलेन का करेक्टर मिलता है तो आप कुछ भी कर सकते हो, आपके पास लिबर्टी होती है। जब आप किसी एक रियल बेस्ड बिल्कुल फिल्म को कर रहे होते हैं तो आपको उस पर्टिकुलर किरदार को जीना होता है, जैसे वो एक्चुअल में सच्ची घटना और सच्ची जिंदगी पे था। तो मैंने इस किरदार को एकदम सत्य घटना पे जिया है और ये बहुत अच्छी तरीके से मैंने इसको अपने अंदर ढालने की कोशिश की, क्योंकि इसमें एक थोड़ा सा टफ होता था मेरे लिए, क्योंकि इसमें 90s की जो जीप होती थी, अजय वो हार्ड गियर वाली, वो वाली जीप लाइन होती थी, और मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि अक्षय कुमार सर मेरे बगल में बैठे हैं तो उनको मैं प्रॉपर तरीके से लेके जाऊं उनको प्रॉपर, क्योंकि हमारे एक मार्किंग होता है कि इधर तक जानी चाहिए गाड़ी, इसके बाद स्टॉप करना है, सामने कैमरा होता है, क्राउड होता है, वो सारी चीजें बैलेंस करके उस जीप को ड्राइव करना। नो डाउट कहीं ना कहीं मैं थोड़ा सा डरता था कि भाई गलती नहीं हो जाए, लेकिन मैं बस ऊपर वाले का नाम लेके कि भाई जो होगा अच्छा होगा, सो इस तरह से मैंने परफॉर्म किया। और अक्षय सर भी बूस्ट करते रहते थे कि बेटा कर, अच्छे से कर, डोंट वरी। देखिए, अभी की जो गाड़ियां हैं वो तो धड़ल्ले से चलती हैं, लेकिन जो बात की जा रही है 90s की जीप, मतलब वो जीप देखा जाए तो चलाना वाकई एक तो घड़घड़ घड़घड़ आवाज करती है, ऊपर से हिलती बहुत अरे है, कंटिन्यू कंटिन्यू, ऊपर से ध्यान रखना पड़ता है गियर का, क्योंकि अभी तो गियर यहाँ आ जाता है लेकिन उसका गियर वहां होता था। तो आपसे जानना यस यस चाहेंगे, यस, मतलब दिवाकर बनने से पहले क्या गौरव ने वो जीप चलाने की प्रैक्टिस करी थी, और कितने दिन करी प्रैक्टिस? हाँ वो मैंने कुछ दिन प्रैक्टिस की। साथ में जब हम सेट पे होते थे तो अक्षय सर के सेट पे आने के पहले मुझे बकायदा प्रैक्टिस कराई जाती, तो मैं भी करता था कि वो मार्किंग कहाँ है, किस जगह पे मुझे जीप रोकनी है और किस जगह से शुरू करनी है। तो 6-7 बार वो, क्योंकि गलियों के भी कहानी है ना कि वो जब रेस्क्यू के लिए वो अलग अलग जगह जाते हैं, लोगों से मिलते हैं कि भाई हमें रेस्क्यू करना है, हमें पता लगाना है माइनर्स कहाँ फंसे, तो
गलियों का भी सीन होता है था, उसमें क्राउड भी पास हो रहा है, तो उस जगह से निकालना वो टेढ़े मेढ़े रास्ते और उस तरह से, तो वो थोड़ा सा टफ था मेरे लिए, लेकिन मैंने 2-3 बार प्रैक्टिस की तो कॉन्फिडेंटली आ गया मुझे, और मैंने अच्छे से चलाई और अपना जितना बेस्ट कर सकता था मैंने किया परफॉर्म। अच्छा, हम सुने हैं कि अक्षय कुमार जी बड़े टाइम के पंचुअल होते हैं, अगर 7 बजे बोल दिए हैं तो वो तो 6:30 बजे ही आके बैठ जाते थे। तो आपसे जानना चाहेंगे, आप तो उनके राइट हैंड बने थे फिल्म में, तो जाहिर सी बात है आपको भी उसी हिसाब से चलना पड़ता होगा। तो उनका आने का समय, आपका जाने का समय, क्या ये बात सच है कि मतलब पंचुअल है वो? जी बिल्कुल, पंचुअल तो है नो डाउट, उनसे पंचुअलिटी, उनका फिटनेस वो सीखना चाहिए, जिस तरह से वो हम लोग सेट पे आ जाते थे, उनका तो क्योंकि दाढ़ी वगैरह पगड़ी बांधना पूरा गेटअप उनको रेडी होने काफी टाइम लगता था, इवन सारे करेक्टर्स, क्योंकि सारे जो 90s की कॉस्ट्यूम्स 90s के करेक्टर्स हैं, तो सभी का मेकअप, सभी के कॉस्ट्यूम, सब पे एक एक चीज पे वर्कआउट होता था डीपली। और अक्षय सर जब आते थे तो हम लोग ऑलरेडी कोशिश करते थे कि टाइम पे पहुंच जाए, क्योंकि हमें ये नहीं लगना चाहिए कि इतना बड़ा स्टार आज आके सेट पे खड़ा हुआ है और बाकी आर्टिस्ट रेडी नहीं, तो हमारे तीनों सर पहले से प्रिपरेशन कर लेते थे कि सारे आर्टिस्ट रेडी हो जाएं, अक्षय सर टाइम पे आ जाते थे, और इवन वो वैनिटी में भी नहीं जाते थे, वो शायद खाना खाने या फिर ड्रेस चेंज करने के लिए जाते होंगे वैनिटी में, बाकी टाइम हमारे सेट पे ही रहते थे, साथ में काम करते थे, और इवन हमारे नाइट शूट भी होते थे, लोग बोलते हैं अक्षय सर नाइट में शूट नहीं करते, लेकिन वो जब काम होता है वो नाइट में भी शूट करते हैं, इवन हमारा रात का रेस्क्यू का सीन होता था तो 3 बजे तक, जब तक सनलाइट नहीं आ जाती थी उसके पहले तक हम लोग कंटिन्यू शूट करते थे, और वो पूरा टाइम देते थे, उसके बाद फिर चले जाते थे, फिर उनकी जरूरत होती थी फिर सुबह मॉर्निंग में आ जाते थे। अच्छा, क्या क्या सीखा आपने अक्षय जी से? कहते हैं उनके साथ काम करना भी अपने आप में बड़ी बात है, बहुत कुछ सीखने को मिलता है। क्योंकि मैं तो ये बताना चाहूंगा कि मैंने तो पहली फिल्म जब मैं छोटा था तो झांसी का रहने वाला हूँ, मैंने मिनर्वा टॉकीज में मोहरा देखी थी, तो जब मैंने अच्छा उनको पहली बार देखा तो मेरे लिए तो पहली फिल्म थी एज अ ऑडियंस की, एक बच्चे के लिए कि पहली फिल्म और पहला हीरो अक्षय कुमार, और जब मुझे ये हुआ कि भाई उनके साथ मुझे मिल रहा है मौका, तो मतलब आई फील प्राउड कि मुझे ना स्क्रीन शेयर करने को मिल रहा है जिसको मैंने स्क्रीन पे देखा था कभी, तो वो मेरे लिए अच्छा बहुत प्राउड का मोमेंट था, और वो बहुत मतलब मस्ती करते थे हम लोग समटाइम, वो कैच एंड थ्रो, बॉल से कैच एंड थ्रो खेलते थे और कभी क्रिकेट खेलने लग जाते थे, तो पूरे माहौल को बहुत अच्छा और डिसिप्लिन बना के रखते थे, चूंकि कहीं ना कहीं मेरे ड्रीम हीरो भी हैं कि मैं कभी उनके साथ काम करूंगा, और आज मुझे काम करने का मौका मिला, इवन मैं तो सोच रहा था कि पहले दिन तो मैं सर को बोलूंगा सर मैंने आपकी फिल्म देखी, ये देखा वो देखा, लेकिन जब वो मेरे सामने आए 3 से 4 दिन मेरी आवाज नहीं निकल रही थी, लाइक मैं बोलूं क्या, उनका ऑरा इतना बड़ा था, हमें लगता है जब हम जाते हैं ना किसी बड़े स्टार के सामने तो वो रियल में उनका ऑरा वो फील होता है कि यार क्या बोले, मतलब कुछ आवाज ही नहीं निकल रही, फिर 3रे 4थे दिन मैंने उनके पैर छू के आशीर्वाद लिया, मैंने कहा सर तो बोले जीता रहे बेटा, अरे तो वाह। अच्छा उससे देखिए, पाला एक चीज और इंटरेस्ट। होता है, जब मतलब हमारा कोई फेवरेट कलाकार होता है ना, अगर वो हमारे सामने आ जाए तो बोलती बंद हो जाती है। तो जैसा आपने जी कहा, 2-3 दिन तक तो आवाज ही नहीं निकली थी। अब बात करते हैं कैमरे के आगे आने की। जब कैमरा डायरेक्टर ने बोला रेडी स्टेडी एक्शन, उसके बाद तो भैया आवाज भी निकालनी पड़ती थी और दम भी दिखाना पड़ता होगा। तब क्या रिएक्शन होता क्योंकि था गौरव का? उस समय तो ये होता था, देखिए हम कलाकार हैं तो हमें एक किरदार दिया जाता है, जब हमें कैमरे के सामने आते हैं ना तो वो हम उस करेक्टर को फील करते हैं कि भाई मैं दिवाकर हूँ, वो जसवंत सिंह गिल है, दिवाकर का जसवंत सिंह गिल जी के साथ क्या रिश्ता है, उस रिश्ते को मेंटेन रखना है और वो उस करेक्टर को जीना है, तब वो शायद उस समय वो फील नहीं होता है कि कोई अक्षय कुमार है या कोई बड़ा स्टार है, वो मेरे लिए एक करेक्टर होता है कि भाई ये जसवंत सिंह गिल है, इसका दिवाकर के साथ ये कनेक्शन है, मैं उसको जीता हूँ, लेकिन वो कट होता है और फिर वो ड्रेस चेंज होती है तब वो और आता है कि अक्षय कुमार, मतलब कि अच्छा इनके साथ एक सेल्फी भी लेनी है, लगातार हमारा शूट हो रहा है लेकिन एक सेल्फी का क्रेज भी होता है कि चलो सेल्फी लेते हैं, तो इवन हम लोग ड्रेस में चूंकि ले नहीं पाते थे, सब कॉस्ट्यूम में मोस्टली होते थे, कभी हम कॉस्ट्यूम में कभी अक्षय सर कॉस्ट्यूम में, तो ड्रेस की वजह से वो फोटो नहीं हो पाती थी, लेकिन जैसे हम लोग चेंज करके आते थे और भाग के जाते थे वैनिटी के पास तो देखते थे अक्षय सर बोले आ जा जा फोटो ले ले सब लोग, तो मैं तो अरे कई बार फोटो लिए उनके साथ सेल्फी, तो इवन उन्होंने एक बार टोक भी दिया मुझे कि बेटा तू रोज सेल्फी लेता है एक, तो मैंने कहा सर कम से कम आप पहचानने तो लगे इतने सारे आर्टिस्ट में मुझे कि हाँ तू एक है जो आगे रोज सेल्फी लेता है, सो ये एक अरे अच्छा मोमेंट था। इवन हम लोगों ने क्रिकेट खेला तो उन्होंने सबके लिए वो किया कि चलो जो मुझे हराएगा उसको 10 पाउंड मिलेगा, तो इवन अरे ऐसे मैंने उनसे कुछ पाउंड्स भी जीते, तो अरे एक्साइटमेंट में मैं अक्षय सर के पास गया, मैंने बोला कि सर इस पे ऑटोग्राफ दे दीजिए ना प्लीज,
उन्होंने, क्योंकि मुझे लगा कि उनका ऑटोग्राफ इस करेंसी पे लेके मैं संभाल के रखूंगा, तो उन्होंने सीधा बोला कि बेटा नोट पे नहीं। तो मुझे कहीं ना कहीं दिल को टच करी कि यार वो हमारी कंट्री के साथ, वो जो लंदन का यूके का पाउंड है उसको भी संभाल के, मतलब उनकी भी रिस्पेक्ट कर रहे हैं कि नहीं नोट को खराब नहीं करना। तो उससे एक सीखने को मिला कि हमारे यहाँ जो कुछ भी लिखते हैं ना, सोनम गुप्ता तू बेवफा है और कुछ भी हाँ ऐसा सही नोट बात को वायरल करते हैं। सो मुझे नहीं लगता ये सारी चीजें सही है, ये नहीं होना चाहिए। तो इससे ये सीखने को मिला कि भाई अपने और दूसरे हर कंट्री की करेंसी रिस्पेक्ट करना चाहिए हमें। सही बात है। देखिए लक्ष्मी माँ सिर्फ भारत की रुपयों में नहीं वास करती हैं, बल्कि सभी पाउंड हो, जगह डॉलर पे हो, सब कुछ हो, लक्ष्मी माँ हर जगह वास करती है। अच्छा एक बात बताइए, देखिए अक्षय कुमार को हमने कॉमेडी अवतार में देखा है, खिलाड़ी रूप में देखा है, ये एक अलग ऑरा होगा इस फिल्म में उनका भी, और इसमें ना एकदम आप लोगों का एकदम सीनियरिटी, डिसिप्लिन, ये सब दिखाई दे रहा है। अब बात करते हैं खदान के अंदर घुसने की। अच्छा दिवाकर, क्या आप अपने बॉस के साथ खदान के अंदर घुसे, मतलब अक्षय जी के साथ खदान के अंदर घुसे थे? नहीं मैम, इसमें इसमें क्या हुआ मौसी जी कि चूंकि रेस्क्यू जसवंत सिंह गिल साहब ने अकेले किया था, उन्होंने डिसाइड किया था कि अगर एक, क्योंकि जब बाढ़ आई तो ये डिसाइड हो गया कि भाई कोई भी माइनर्स बचेगा नहीं, और सबने हाथ खड़े कर दिए थे। लेकिन जसवंत सिंह गिल ने बोला कि यार 65 जिंदगियां और पता नहीं कितनी जिंदगी अंदर फंसी है, अगर एक भी जिंदगी सांस ले रही है तो मैं उसे बचाऊंगा। उन्होंने ट्राई किया और फिर कैसे करके उनको ढूंढा, उसको मतलब फाइनल किया कि भाई यहाँ पे फंसे हुए हैं, फिर वहां पे होल करके फिर उन्होंने खुद नीचे जाने का डिसीजन लिया। क्योंकि चूंकि सिर्फ उनको रेस्क्यू करके ऊपर लाना था तो वो सबके बस की बात नहीं थी आई थिंक। बिल्कुल हाँ, एक तो ही जन जा जसवंत सकता सिंह है। सिर्फ अकेले गए उस कैप्सूल में, तो उनको पहले, हमारी फिल्म का नाम शायद पता होगा, कैप्सूल गिल भी था, चूंकि जसवंत सिंह को उस रेस्क्यू के बाद लोग कैप्सूल गिल भी बोलने लगे थे, इसलिए कैप्सूल गिल भी हम लोगों ने रखा था। और फिर कहीं ना कहीं हमें हमारी हमारी प्रोडक्शन को लगा कि मिशन रानीगंज ज्यादा जस्टिस कर रहा है, द ग्रेट भारत रेस्क्यू, भारत का सबसे बड़ा रेस्क्यू जिसके लिए सर्वोच्च रक्षा पदक भी जसवंत जी को मिला है। तो वो बिल्कुल उन्होंने अकेले कैप्सूल से नीचे गए और उन्होंने अकेले एक एक माइनर्स को ऊपर लाए। हाँ, वो नीचे जो फंसे थे जैसे रवि किशन जी, सुधीर पांडे, वरुण बडोला, ये सब बहुत सारे आर्टिस्ट हैं, वो लोगों ने वो खदान के अंदर का एक्सपीरियंस किया। हमने जो रेस्क्यू किया वो बाहर किया, चूंकि हाँ बाहर कुछ एक्शन सीन होते थे, लाइक जैसे जहां पे वो कैप्सूल लटका हुआ है तो जिस पिलर से वो कैप्सूल बंधा हुआ है वो कई बार डिसबैलेंस हुआ, जो रियल घटना हुई होगी, तो उसमें हम लोगों को एकदम पकड़ना था कि भाई इसको संभालना है, नीचे कैप्सूल गिरने ना पाए, क्योंकि इस तरह का एक इस तरह का मिशन पहली बार हो रहा था, किसी को नहीं पता था होना क्या बिल्कुल है। बस एक एक प्लानिंग की गई थी जसवंत सिंह गिल द्वारा जो हम लोगों ने पूरी की थी। देखिए कहीं ना कहीं दिवाकर ने भी अपने किरदार को, मतलब आपने भी दिवाकर के किरदार को जस्टिफाई किया होगा। बिल्कुल कैसे, देखिए दिवाकर जो है वो जसवंत गिल के राइट हैंड रहे हैं, और जाहिर सी बात है वो नहीं चाहेंगे कि उनके मतलब जो साहब जी, मार्गदर्शक है उनको कुछ हो। साहब जी तो देखिए आपने किरदार को तो किया होगा, लेकिन हम आपसे जानना चाहेंगे गौरव, सीन तो ऑन ऑन कैमरा तो भले ही नहीं गए हैं दिवाकर, लेकिन ऑफ कैमरा गौरव आपने खदान का एक्सपीरियंस लिया अंदर जाकर, कैसे फिल्माया जा रहा है, क्या हो रहा है, अंधेरे में रहता है, कैसा लगता है? हाँ, तो वो तो पूरा मैम अंधेरा था पूरा, मतलब जैसे से आप किसी गुफा में जाते हो तो गुफा में तो फिर भी ऑक्सीजन आती है, वहां तो ऑक्सीजन की भी इतनी कमी होती है कि ऑक्सीजन भी आप प्रॉपर नहीं ले सकते हो। और चूंकि जब उधर पे तो बाढ़ आ गई थी, बाढ़ आने के बाद लाइट नहीं हो रही थी, मतलब वो एक सीन में दिखाया जाता है वो लैंप का दिया जो उसमें लौ जल रही है वो भी फड़फड़ा रही है क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिल रही है ना। तो सोचो आदमियों को किस तरह से सरवाइव, और जब ये हो गया कि भाई कोई नहीं बचने वाला, तब क्या बीत रही होगी उनपे। वो शायद आप मूवी देखेंगे तो इस चीज को अनुभव कर पाएंगे कि किस तरह का मंजर रहा होगा, किस तरह का फील होगा उस वक्त। मतलब हम लोग जब शूट कर रहे थे तो हम लोगों को लग रहा था कि किस तरह से किया होगा, बाहर जो खदान में फंसे उनके परिवार वाले बाहर वो एक जगह थप्पड़ मारते हैं जसवंत जी को, कि तो मतलब वो इमोशन उसके बाद भी उनकी, कुछ कोई नहीं समझ पा रहा है उनकी हालत क्या थी जसवंत जी की, कि वो किस तरह से कर रहे हैं, लेकिन सबको ये लग रहा था कि भाई हमारे अपने वापस आना चाहिए। बिल्कुल देखिए आप जिस तरह से बता रहे हैं ना, हमारे तो रोंगटे खड़े हो रहे हैं। हम तो ट्रेलर देख के ही समझ गए थे कि बढ़िया पिक्चर है, इसको देखना बनता है, कैसे ये हिस्ट्री है हमारे भारत की। तो देखिए हम तो बिल्कुल आपको, हम तो जाके देखेंगे। बस आप अपने दर्शकों से जाने से पहले क्या कहेंगे इस पिक्चर को लेकर? मैं अपने दर्शकों से बोलूंगा कि इस फिल्म को देखिए, और जो मेरे चाहने वाले हैं, मेरे फैंस हैं, या मुझे जो प्यार करते हैं, वो दिवाकर को देखने मत जाओ, वो जसवंत सिंह गिल जिन्होंने इतना बड़ा रेस्क्यू किया, किस तरह उनको से किया और अपनी जान को दांव में लगाकर,
65 जिंदगियों को बचाया, उनके लिए देखने जाओ और शायद उस फिल्म से आपको एक प्रेरणा मिले कि हमारे सामने इस तरह की कोई घटना हो रही है या हमें लगता है कि हमें किसी को बचाना चाहिए, तो शायद उस फिल्म को देखने के बाद एक प्रेरणा जागे कि भाई बिल्कुल हमें भी बिल्कुल एक समाज के हित में काम करना चाहिए। किसी की जिंदगी कहीं ना कहीं कितनी इंपॉर्टेंट होती है, वो जो लोग भीड़ में अपने लोगों को देख रहे हैं कि नीचे फंसे हुए हैं, उनके इमोशंस शायद आपको कैच होंगे, तब उस चीज को आप कर पाएंगे। क्योंकि मुझे भी, मैं भी बचपन से काफी मतलब एक्टिव रहा हूँ, मुझे राष्ट्रपति पुरस्कार मिला है एपीजे अब्दुल कलाम साहब से, अरे वाह, राज्यपाल गवर्नर अवार्ड मिला है, मैंने जिमनास्टिक की हुई है, मैं जिमनास्टिक कर लेता हूँ, लाइक हैंडल स्टैंड, बैक फ्लिप, ये सब मैं जानता हूँ। सो ये चीजें मेरे बचपन से मेरे कहीं ना कहीं कनेक्टेड थी। अरे वाह, तो कहा जाए ना पूरी कायनात मिल गई, जुट गई जे पिक्चर में आपको किरदार दिलाने के लिए, क्यों? बस बस ये लास्ट मोमेंट में मिला था, टीनू जी ने बोल दिया था गौरव एक भी रोल नहीं बचा, मैंने कहा सर एक सीन दे दो, एक सीन भी कर लूंगा, क्योंकि अक्षय सर को मैंने स्क्रीन पे देखा था, तो एक सीन भी मिलेगा ना मैं कर लूंगा। और पूजा अच्छा भगनानी जी ने मुझे बोला था कि जाके मिल के आओ टीनू जी से, हमारी फिल्म शुरू हो रही, चूंकि मैं बहुत दिनों से उनको बोल रहा था कि मैम मुझे आपके प्रोडक्शन में एक फिल्म करनी है, तो उन्होंने इस बार बोला। देन टीनू जी ने बोला कि ठीक है मुझे 2 दिन का टाइम दे, मैं बताता हूँ 2 दिन मेरे अच्छा कैसे निकलेगी, शायद मिलेगा एक सीन भी मिलेगा। तो कॉल आया कि आपका दिवाकर नाम से करेक्टर फाइनल हुआ है, आप आ जाइए। सो फाइनली आई गॉट द फिल्म। देखिए, हम तो यही चाहेंगे कि ये पिक्चर सभी लोग देखें और कुछ प्रेरणा पाएं। कैसे देखिए, जो प्रेरणादायक पिक्चर होती है वो वैसे भी बहुत कम बनती है, तो जो पिक्चर बनती है वो जाके देखें जरूर। गौरव, हम भी देखेंगे, आपके किरदार को भी देखेंगे जाकर कि भाई आपने जीप कैसे चलाई है गलियों में। तो बिल्कुल बिल्कुल फटाफट नया अपना टिकट बुक एक्सपीरियंस कर है मेरे लेते लिए हैं ना, फटाफट जी। टिकट बुक कर लेते हैं और दर्शकों से भी कहेंगे कि फटाफट अपना टिकट बुक कीजिए और जाके पिक्चर देखिए। सही कहे कि नहीं कहे? एकदम फटाफट टिकट बुक करिए और जाके तुरंत ही पिक्चर देख लीजिए, काहे कि इतना बिल्कुल, मजा आ जाएगा ना कि बस अच्छा आप फिर मीनू मौसी का शो मिस नहीं करेंगे कभी। बिल्कुल बिल्कुल सही पकड़े हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सही गौरव, आपसे पकड़े बातें जी, बातें बहुत बिल्कुल मजा आया। मुझे भी, थैंक यू सो मच। बहुत बहुत धन्यवाद। और बाकी दर्शकों से जाने से पहले हम एक ही चीज कहेंगे, सास बहू और बेटे का यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे देखिए खबरें जो है हमारी टीम आपको देती रहती है। तो हम जा रहे हैं, बहुत सारा काम है, बिल्कुल टिकट भी बुक। बाय।